हम सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो यहीं से हैं। सांसद मैं सुबह आई थी तो मैं हवाई चप्पल पहनी, फिर मैंने हवाई जहाज का टिकट लिया और मैं सीधे इलाहाबाद पहुंची। वहां से फिर मैंने 2000 का नोट लिया चिप वाला, उस चिप वाले नोट से बुलेट ट्रेन का टिकट खरीदा और उस बुलेट ट्रेन के टिकट से मैं सीधे क्योटो में आ गई। अब क्योटो से वापस मैं कैसे जाऊंगी? सीधे रोप वे से मिर्जापुर उतरूंगी और रोप वे से मिर्जापुर उतरने के बाद मेट्रो ट्रेन में बैठ के इलाहाबाद जाऊंगी, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है और जहाँ बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से कोरोना में गंगा जी में तैरती हुई लाशें पूरे देश में। साथियों, ये सवाल इसलिए है कि बड़े बड़े सपने हमें और आपको दिखाए गए, लेकिन एक भी सपना और वादा ये सरकार पूरा नहीं कर पाई। हमारी सरकार में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 के दौरान थी, तो मैं जाते जाते अपने काम भी आपको बताती जाऊँ। मैं वोट मांगने तो नहीं आई, लेकिन चुनाव आपके सामने है, आप सही कैंडिडेट को चुने, इसलिए आपको बातें बताने आई हूँ कि 2012 से 17 के दौरान जिस डायल 100 का आप उपयोग करते होंगे, जब कोई घटना घट जाती होगी तो 100 नंबर मिलावट है कि नहीं? मिलाते हैं वो 100 नंबर आदरणीय अखिलेश यादव जी की दूरगामी सोच थी। जब आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो 102-108 एम्बुलेंस मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच थी। आपकी बेटियां आगे पढ़ सके इसके लिए कन्या विद्यादान देने का काम अगर किसी नेता ने किया तो आदरणीय अखिलेश जी ने किया। आपके बच्चे आगे टेक्नोलॉजी में पढ़ सके इसके लिए 18 लाख छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने का काम किया। आप घर को अपने मजबूत कर सके इसके लिए 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सके इसके लिए हौसला पोषण मिशन जैसी योजना लाने का काम किया। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें मैं गिनाऊं तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मुझे अवसर दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। पुनः आप सभी क्रांतिकारी बहनों को मेरा सलाम, यहाँ आई हुई मेरी बहनों को मेरा प्रणाम और सलाम। इंकलाब जिंदाबाद, जय समाजवाद, जय हिंद। तो कुछ कहने के लिए मेरे पास बचा नहीं है, लेकिन एक और बात कहना चाहेंगे।